हेलो बच्चों, कैसे हैं? HLB डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। और बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम हाई स्कूल और इंटर का एक कॉमन आर्टिकल लेकर के आए हैं, जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटर के हिसाब से भी। एकदम नॉर्मल भाषा में हम उसको लिखवाएंगे ताकि सभी बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। और हमने बताया था आपको कि इंटरमीडिएट में जो आर्टिकल होता है वो बेटा कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और इंटर में और 10th में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बच्चों, आज हम आर्टिकल पे बात करेंगे और आर्टिकल का जो मेरा टाइटल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, यानी जीवन में खेलों का महत्व। ये आज का आर्टिकल है और जिसको हम बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में लिखाएंगे ताकि सभी बच्चे अच्छे से इसको तैयार कर सकें। एक चीज़ बेटा याद रखिएगा आर्टिकल लिखते समय कि जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे और जो भी पॉइंट्स बनाएंगे वो कोई ऐसा शब्द नहीं बनाएंगे जिसमें हम उसकी मीनिंग में फंस जाएं। छोटे छोटे हमको सेंटेंस बनाने हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है? तो चलते हैं बेटा और हम आज प्रैक्टिस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, जीवन में खेलों का महत्व। इंटरमीडिएट में ये 100 to 150 वर्ड्स का पूछा जाता है और हाई स्कूल में 80 to 100 पूछा जाता है, यानी 80 से 100 शब्द हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है। देखते हैं हाई स्कूल में क्या होता है कि हाई स्कूल में जो पॉइंट्स होते हैं बेटा वो दिए रहते हैं। हाई स्कूल बोर्ड पेपर में जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं आपको उन्हीं के आधार पर लिखना होता है। और वही चीज़ इंटरमीडिएट में क्या है कि ये पॉइंट्स नहीं दिए रहते हैं। इंटरमीडिएट में आपको डायरेक्ट टॉपिक दिया जाएगा और उसी टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो देखते हैं बेटा, पहला मेरी पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। लिखते हैं, इट इज़ फाइन सेइंग दैट ए साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड, आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। तो देखिएगा, इसकी हिंदी है कि इट इज फाइन सेइंग दैट, यानी ये बहुत सुंदर कहा गया है कि ए साउंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर हैज ए साउंड माइंड, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन, हमारा जो शरीर है ये एक मशीन है। ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, एक जो मशीन होती है बिना ऑयलिंग के काम नहीं कर सकती है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से आवर बॉडी कैन नॉट वर्क, हमारा जो शरीर है ये काम नहीं कर सकता है प्रॉपरली, अच्छी तरीके से, विदाउट एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज व्यायाम के, गेम्स खेलों के एंड स्पोर्ट्स। अर्थात ये जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोगों का जो शरीर है, बिना एक्सरसाइज गेम्स और खेलों के बिना हमारा शरीर काम नहीं कर सकता है। दे गिव अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा देते हैं। अब सेकेंड पॉइंट जो मेरा है बेटा वो है नेसेसिटीज, यानी हमको जो है अपने जीवन में खेलों को क्यों महत्व देना है, आवश्यकताएँ क्या हैं। तो देखते हैं बेटा, नेसेसिटीज मिस होता है आवश्यकताएं, क्या है आवश्यकताएं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं और इट इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अध्ययन करें, बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, यानी यद्यपि हम विद्यार्थी हैं तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि हम पढ़ाई करें, लेकिन बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक विद्यार्थी होने के नाते हम पूरे समय पढ़ाई करते रहें, ठीक है बेटा। तो देयर इज ए लिमिट टू आवर एनर्जी, यानी हमारे पास जो शक्ति है या जो एनर्जी है उसकी एक समय सीमा होती है,
और डूइंग टू मच वर्क, यदि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, ऑफ द सेम टाइप मेक्स ए मैन डिसइंटरेस्टेड, यदि हम एक ही प्रकार का काम लगातार करते रहते हैं तो क्या होता है, मैट द सेम सॉरी टाइप मेक्स ए मैन डिसइंटरेस्ट, तो व्यक्ति को उस काम से डिसइंटरेस्ट हो जाता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए विदाउट इंटरेस्ट बिना रुचि के इफिशियंसी डिक्लाइंस, हमारी जो योग्यता या हमारी जो कुशलता होती है उसमें ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है। सो इसलिए इट इज करेक्ट, ये सही है टू से, यानी ये सही कहा जाता है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय, ऑल वर्क एंड नो प्ले यानी हर वक्त काम करते रहो, एंड नो प्ले मेक्स, और हम खेलते नहीं है, खेल के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो मेक्स जैक डल बॉय, तो हम एक नीरस बच्चे की भांति हो जाते हैं। अर्थात यदि हम लगातार पढ़ते रहते हैं और खेल के लिए जरा भी समय नहीं निकालते हैं तो मिस्टर जैक डल बॉय की भांति नीरस बच्चे हो जाते हैं। अगला टॉपिक मेरा तीसरा टॉपिक बेटा है इम्पोर्टेंस। एक चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना ही उसमें टॉपिक देंगे, जितनी ही सटीक भाषा का यूज़ करेंगे, वो आपका आर्टिकल उतना ही प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, थर्ड हेडिंग मेरी बेटा है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस आवश्यकता, उसका महत्व तो क्या है, यानी खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व। फॉर स्टडीज़ हम पढ़ते हैं, वी शुड बी हेल्थी, हम स्वस्थ रहते हैं, यानी पढ़ने के साथ साथ हम स्वस्थ भी रहें। ए वीक एक कमज़ोर एंड सिक स्टूडेंट, और एक बीमार स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, वो अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकता है। यदि एक स्टूडेंट कमज़ोर है और बीमार है, कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, तो वो अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकता है। गुड हेल्थ मेक्स अस फिट, एक अच्छा स्वास्थ्य हमें फिट रखता है फॉर वर्क, काम के लिए, यानी यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम प्रत्येक काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को शरीर से एक्सरसाइज करें, अर्थात अपने शरीर के द्वारा कुछ न कुछ व्यायाम अवश्य करें। द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स सो द बॉडी फंक्शंस बेटर। अब क्या होता है, द लिम्स, लिम्स मिस होता है अंग, क्या होता है बेटा अंग, मूव वो चलते हैं, हिलते डुलते, जब हम अपने अंगों से एक्सरसाइज करेंगे ना तो सारी बॉडी हमारी हिले डुलेगी, तो द लिम्स मूव गति करते हैं, एंड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड मिस होता है रक्त, और सर्कुलेशन मिस होता है संचार, तो हमारा जो रक्त संचार है, सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, शरीर के अंदर वो अच्छा हो जाता है। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, और आपके स्वास्थ्य पर ही आपकी सफलता निर्भर करती है। आपका शरीर जितना स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होगा, आपकी सफलता उतनी ही प्रभावशाली होगी। विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, वी हैव नो चार्म इन लाइफ, हमारे जीवन में कोई आकर्षण नहीं होता है। सो इसलिए इट इज करेक्टली सेड, एकदम सही कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि धन नष्ट होता है नथिंग इज लॉस, तो कुछ नहीं खोता है, ये कहावत है कि यदि धन नष्ट होता है तो कुछ नहीं खोता है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि स्वास्थ्य खराब होता है, समथिंग इज लॉस्ट, तो समझ लो सब कुछ खो जाता है। क्या हो जाता है, सब कुछ खो जाता है। ठीक है बेटा, सेंटेंस कह रहा है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि धन नष्ट होता है तो नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं खोता है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है तो समथिंग इज लॉस्ट, तो समझो सब कुछ खत्म हो जाता है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, यदि चरित्र खो जाता है, यानी आप चरित्रहीन हो जाते हैं, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं
गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन। अब देखिए खेलों के द्वारा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों के द्वारा क्या होता है, डिसिप्लिन हमारे में अनुशासन आता है। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली, और खेलों के द्वारा जो हमारी बॉडी रूपी मशीन है वो बड़ी सुगमता के साथ चलती रहती है। दे टीच अस टीम स्पिरिट, और खेलों से हमें टीम स्पिरिट की भावना का उदय होता है, हमारे अंदर एक संगठन की भावना उत्पन्न हो जाती है। वी लर्न टू एडजस्ट, हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं, हम समायोजन करना सीख जाते हैं विद अदर्स, दूसरों के साथ। दे टीच अस कोऑपरेशन, और इससे हम लोगों में सहयोग सहभागिता की भावना का विकास होता है। एवरी प्लेयर, प्रत्येक जो खिलाड़ी होता है थिंक्स ऑफ द टीम, वो एक टीम के बारे में सोचता है, एक टीम की भांति सोचता है। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और दे डेवलप वो विकसित करता है, डेवलप होता है विकसित करना, सेक्रीफाइस में होता है योगदान या बलिदान। और दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इससे हम लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। और लास्ट बेटा मेरी हेडिंग है कॉन्क्लूजन, कि वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज। कह रहे हैं कि वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में खेलों का के लिए भी एक हिस्सा बनाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में खेलों का भी महत्व देना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज, यानी केवल पढ़ाई ही नहीं कि हर वक्त पढ़ाई में लग रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने जीवन में खेलों को भी महत्व देना है। सो ए बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी, सो इसलिए ए बैलेंस्ड में समायोजन होता है, व्यू इज वेरी नेसेसरी, यानी पढ़ाई और खेलों के बीच एक बैलेंस होना, समायोजन होना बहुत जरूरी है। आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, और अवर रूल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि वर्क वाइल यू वर्क, जब आप काम करें, ये सुक्ति है, जब काम करें तो काम करें, जब काम करें तो काम करें, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब खेलें तो खेलें। एक सुक्ति है कि वर्क वाइल यू वर्क, जब हम लोग काम करें तो फिर काम करें, यानी मन लगा के काम करें, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और अगर खेलें तो फिर मन से खेलें। ओके बेटा, तो ये आर्टिकल बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कि हमको क्या करना है। हिंट्स आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ये तीन पॉइंट दिया है, इनके अंदर ही आपको आर्टिकल लिखना है। इंट्रोडक्शन, इट इज फाइन सेइंग दैट ए साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड, आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, इन द सेम वे आवर बॉडी कैन नॉट वर्क properly without exercise, games and sports. They give us energy, इससे हमें शक्ति मिलती है। Second point मेरा है बेटा कि we are students, it is our duty to study, but we cannot study all the time. There is a limit to our energy, doing too much work of the same type makes a man. Makes a man. Without interest, efficiency declines, so it is correct to say that all work and no play makes Jack a dull boy. Point number third मेरा है importance कि for studies we should be healthy. A weak and sick student cannot study properly. Good health makes us fit for work. They provide the best exercise to the body. The limbs move
एंड ब्लड सर्कुलेट्स सो द बॉडी फंक्शंस बेटर. हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस. विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ. सो इट इज करेक्टली सेड इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट. इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट. इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. आगे चलते बेटा देखते हैं. गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक्स अस डिसिप्लिन्ड. दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली. दे टीच अस टीम स्पिरिट. वी लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स. दे टीच अस कोऑपरेशन. एवरी प्लेयर थिंक्स ऑफ द टीम. दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. चौथी और लास्ट हेडिंग है बेटा मेरी कंक्लूजन, जिसको उपसंहार बोला जाता है, निचोड़. वी मस्ट टेक ए पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज. सो ए बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी. आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले. तो बेटा ये आर्टिकल था और ये आर्टिकल हाईस्कूल और इंटर के दृष्टि से दोनों इंपॉर्टेंस है. आप इस आर्टिकल को अच्छे से तैयार करेंगे और ये जो आर्टिकल की जो लैंग्वेज है, हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको लिखाया है ताकि आसानी से याद हो सके. अगले वीडियो में हम आपको एक नया आर्टिकल प्रोवाइड कराएंगे. तब तक के लिए बेटा नमस्कार, धन्यवाद.